हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 नवंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट से सेशन को। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग जो है ना एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज रात से ही 9:15 बजे एचटेट के लिए हरियाणा जीके, स्पेशली हरियाणा जीके और करंट, इसके क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक महीने तक हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे इन द सेंस, ताकि आप लोगों का 10 out of 10 मार्क्स आ जाए। आप और हम मिल के प्रयास करेंगे ताकि कुछ अच्छा कर पाएँ हम लोग। बाकी क्लासेस भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर हुआ या आपका जेडी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर हुए, वो भी पैरेलल आपकी जो है ना स्टार्ट करने के बहुत सारे प्लान हैं मेरे, ठीक है। आप भी सजेशन दे सकते हैं कौन से और एग्ज़ाम का, और हाँ ये ज़रूर है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस ज़रूर मुझे सेंड किया करें, चाहे व्हाट्सएप चाहे टेलीग्राम पर आप लोग। एनीवे, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा पढ़ें उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था, वो क्या था कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है। तो 18 कैरेट में शुद्ध सोने का स्वर्ण अनुपात होता है 75%। ऑप्शन नंबर सी ठीक था। आज का पहला करंट अफेयर, आज के क्वेश्चन बहुत औसम सवाल है, ध्यान से पढ़ना। किस विभाग ने अब आयुष्मान भारत योजना के पात्रों के लिए आयुष्मान भारत PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के पात्रों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य एप्लीकेशन जो है ना लॉन्च किया है, किसने? स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन याद करवाऊं मैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिसेंटली जो सचिव बनाया गया है ना, वो बनाया गया है सोनिया खुल्लर को। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा टाइम पहले ही आप लोगों को शायद पढ़ाया था, और मैंने ये कह के पढ़ाया था आप लोगों को कि इनके जो पति हैं जिनका नाम है राजेश खुल्लर, वो वर्ल्ड बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव अधिकारी लगे हुए हैं। 2020 में उनको अपॉइंट किया था। तो और इन सोनिया खुल्लर से पहले विना सिंह, ये बताया था मैंने। विन्नी महाजन तो एक्चुअली पंजाब के अंदर मुख्य आयुक्त बनी थी, लेकिन ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना का मतलब भी आप लोगों को पता होगा क्या, कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज है वो फ्री होता है, और किनका? 1,80,000 रुपये से कम जो सालाना कमाते हैं, 5 एकड़ से ज़मीन जिनके पास में जो है ना वो कम है। इसके अलावा आप लोग ये बात भी याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना जो है, इसमें हरियाणा के अंदर जो चौकीदार हुए या नंबरदार हुए या इसके अलावा जितने भी रेडी लगाने वाले व्यक्ति हुए, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह, इन सभी को ऐड कर दिया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। इस एप्लीकेशन से क्या होगा सर? इस एप्लीकेशन से ये हो सकता है कि वो भारत योजना, इस आयुष्मान भारत योजना के बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल ले सकते हैं। हमारा नाम इस लिस्ट में ऐड है कि नहीं है ये भी चेक कर सकते हैं, या हॉस्पिटल में जाके भी जो है ना वो पता लगाया जा सकता है। अब से पहले हॉस्पिटल में चक्कर काटने पड़ते, अब एप्लीकेशन में ही देखा जा सकता है। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा सरकार ने जींद जिले के अंदर लगभग 4.75 लाख लाभार्थियों को रिसेंटली ही ऐड किया है। 4 साल में भी इस ज़िले के अंदर लगभग 1,70,000 से जो है ना लाभार्थियों के कार्ड भी बनाए गए हैं इस ज़िले के अंदर, अभी रिसेंटली एक अपडेट हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021 दिया है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021 अभी हाल ही में दिया गया है श्रीमती सविता रानी को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ये है हमारी भारत की राष्ट्रपति, संथाल जनजाति की द्रौपदी मुर्मू, मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। और ये याद रखिएगा आप लोग कि ये अब से पहले झारखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। भारत में दलित महिला राष्ट्रपति बनने वाली पहली है, और महिला राष्ट्रपति पद पे आने वाली दूसरी है ये। और इनका नाम सविता रानी, जो आपको फोटो में दिखाई दे ही रही है। रिसेंटली 51 लोगों को जो है ना ये अवार्ड दिया गया, जिनमें से हरियाणा की एक ही है सविता रानी, ठीक है। राष्ट्रपति ने रिसेंटली अवार्ड दिया है ये 7 नवंबर को, ये अभी जो आपका PIB न्यूज़ है उस पर अपडेट हुआ था। और नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए दिया गया है 7 नवंबर के दिन। कौन सा अवार्ड? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड।
ये अवार्ड जो है ना लगभग 1973 से जो है ना नेशनल अवार्ड, ये इसको इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1973 से इसे स्टार्ट किया गया था। कौन सा डिपार्टमेंट देता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट देता है। मनसुख मांडविया जो इस डिपार्टमेंट में मंत्री है, भी याद रखना है। और नर्स और नर्सिंग प्रोफेशनल सोसाइटी के अंदर जिन्होंने अद्भुत योगदान दिया है उनके लिए ये अवार्ड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि हरियाणा का पहला किडनी प्रत्यारोपण केंद्र किस जिले में शुरू हो रहा है? तो हरियाणा का पहला है, हरियाणा फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर ये स्टार्ट होने जा रहा है रोहतक के अंदर। आप लोग याद रखिएगा, किडनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, क्या कि अगर आपको कहा जाए कि ब्लड प्योरीफिकेशन कौन करता है तो आंसर लंग्स रहेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्लड जो है ना आप लोगों का फिल्ट्रेशन कौन करता है तो आंसर आपका किडनी रहेगा। फिल्टर और प्योरीफिकेशन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। अच्छा, किडनी कौन सा विटामिन बनाते हैं? तो ये भी याद रख लेना, किडनी विटामिन के बनाती है किडनी के अंदर। सर बाहर से नहीं मिलता क्या विटामिन ये? बिल्कुल, ये विटामिन बाहर से तो मिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका किडनी भी बनाती है। के फॉर किडनी, के फॉर आप लोगों को जो है ना ये याद कर देना है क्या कि विटामिन के। अच्छा, शरीर में और कौन सा जो है ना आप लोगों का विटामिन बनता है? विटामिन B12 बनता है एक, इसके अलावा विटामिन डी तो बनता ही बनता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपका एक क्वेश्चन हो करंट अफेयर का इसके अंदर कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड किडनी डे हर साल जो है ना ये मनाया जाता है 9th of March को मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हर साल 9th of March को वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। एक लीवर डे भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो तो आपका 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और किडनी डे आप लोगों को याद कर लेना है कौन सा है जी, आपको 9th of March को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगर हम लोग तो, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर 1960 से जो है ना PGI जनता की सेवा कर ही रहा है, डॉक्टरों की पढ़ाई तो बच्चों को करवा ही रहा है, और यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट सबसे पहली बार स्टार्ट होने जा रही है। किडनी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो है ही है, क्योंकि फिल्ट्रेशन अगर रुक गई तो आदमी की वैसे लंका लग जानी होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना किडनी प्रत्यारोपण यहाँ पे होएगी। जॉइंट डिग्री मेडिकल टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक जो है ना नया कोर्स भी स्टार्ट किया जा रहा है इसके लिए। जो ये आपका PGI रोहतक है ना, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये 240 किलोमीटर चंडीगढ़ से दूर है, लगभग 70 किलोमीटर लगभग दिल्ली से दूर है ये, और दिल्ली हिसार सिरसा फाजिलका जो नेशनल हाईवे नंबर आपका 10 है इसके ऊपर ये पड़ता है, जिसका नया नाम 9 है अभी, महाराजा अग्रसेन हाईवे कह सकते हो इसको आप लोग। सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी हरियाणा का यही है। ये सबसे पहले 1960 के अंदर स्थापित हुआ था, पर इसकी क्लासेस जो है ना वो मेडिकल कॉलेज पटियाला के अंदर लगती थी, लेकिन 1963 के अंदर जो है ना सभी स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया गया था रोहतक के अंदर। 1994 के अंदर इस मेडिकल कॉलेज का नाम जो है ना बदल दिया, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे कर दिया, क्योंकि 93 में इसी कॉलेज के अंदर जो है ना इनका देहांत हुआ था इसी वजह से ही। और इसके अंदर 1995 से पोस्ट ग्रेजुएट जो है ना उसको भी जोड़ दिया गया था, मतलब यूं कहिएगा इसका नाम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया 1995 में। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ना केवल पढ़ाई करता है बल्कि हेल्थ फैसिलिटी में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प कर रहा है। और इस जो आपका कॉलेज के डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर SS लोहचाप, जॉइंट डायरेक्टर का नाम मिसेस प्रीति IAS है, और डीन का नाम है डॉक्टर कुलदीप सिंह है, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का नाम है डॉक्टर ईश्वर सिंह है। MBBS बैच 2011 से 16 के दौरान हाल ही में गोल्ड मेडल जो है ना वो किसने जीता है, या गोल्ड मेडल मुख्यमंत्री जी ने किसको दिया है? तो इनका नाम है डॉक्टर अनीता यादव। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री जी द्वारा अनीता यादव को दिया गया है, डॉक्टर अनीता यादव को गोल्ड मेडल। गौशाला रोड के रहने वाली है डॉक्टर अनीता यादव, PGI रोहतक से MBBS किया था 2011 से 16 के बैच में, और इसी बैच में इनको गोल्ड मेडल मिला है। अभी रिसेंटली इस यूनिवर्सिटी के अंदर दीक्षांत समारोह हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी और के अलावा अध्यक्षता की थी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने, और अंकिता को MBBS के पद के बाद राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में MD भी किया है इन्होंने, वहाँ पे भी इन्होंने टॉप ही किया है। एक्चुअली इनके पति का नाम डॉक्टर सुनब सिंह यादव है, ये वर्तमान में दमन में जो है ना उपमंडल अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। इनके ससुर डॉक्टर भूप सिंह यादव है, ये प्रतिष्ठित पशु चिकित्सक है, रेवाड़ी के अंदर जो है ना ये निदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं। इनकी सास सरला यादव महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर जो है ना CDPO के पद पर काम कर रही है महेंद्रगढ़ के अंदर।
2011 के अंदर इन्होंने पीएमटी में भी टॉप किया था, और इसी बैच में ही इन्होंने सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ या होनहार विद्यार्थी का होने का भी गौरव प्राप्त किया है। इनका जन्म हुआ था गांव धन्नासरी दादरी के अंदर, ये भी याद रख लेना आप लोग। इनके पिता का नाम है विजेंद्र सिंह शोराण, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं, और वर्तमान के अंदर जो है ना और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महेंद्रगढ़ के अंदर एक प्राचार्य के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं ये। इसके अलावा माता कमलेश सिंह है, माधोगढ़ के राजकीय विद्यालय में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा दे रही है ये। हरियाणा सरकार ने किस हरियाणवी फिल्म के 6 महीने के लिए टैक्स फ्री कर दिया है? तो ये 6 महीने के लिए टैक्स फ्री किया है, इसका नाम है दादा लक्ष्मीचंद। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था रिसेंटली, इस बेस पे अभी रिसेंटली CET एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ना, तो आने वाले पेपरों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आप लोग इसे। दादा लक्ष्मीचंद इस मूवी के लिए, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रविंद्र सिंह राजावत ने, और यशपाल शर्मा ने डायरेक्टर है इसके, यशपाल शर्मा। इसकी स्टोरी लिखी है राजू मान ने, एग्जीक्यूटिव जो आपके चलो इसको आप याद कर सकते हो, नहीं कर रहे, प्रोड्यूस किया था किसने, चलो रामपाल ने, पर आप चलो मेन तो रविंद्र सिंह को याद कर लेना, यशपाल शर्मा को, क्योंकि ये तो डायरेक्टर है, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था 1903 के अंदर, और इनका देहांत हुआ था 17 जुलाई 1945 को लंबी बीमारी की वजह से। ये हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे, हरियाणवी रागनी और सांग में इनके योगदान के कारण इनको सूर्य कवि कहते हैं, इनको हरियाणा का कालिदास भी कहते हैं। इनका जन्म सोनीपत जिले के जाटी कला गांव के अंदर एक साधारण किसान गोड़ ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अपने जीवन के अंदर जैसे लगभग 2 दर्जनों से ज़्यादा सांगों की रचना की है, बहुत फेमस नल दमयंती, हरिश्चंद्र, ताराचंद, चाप सिंह, नौटंकी, सत्यवान सावित्री, चीर परव, पूर्ण भगत, मेनका शकुंतला, मीराबाई, शाही लकड़हारा, किचक परव, पद्मावत, गोपीचंद, हीरामल जमाल, चंद्र किरण, बीजा सोरठ, हीर रांझा, जानी चोर, सुल्तान, राजा भोज, और इसके अलावा भूप पुरंजन, ये बहुत सारे इनकी रचनाएँ थी। इसी के साथ ये लेक्चर तो आपका समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, इटली थे, पिट थे, या चैम्बरलेन, और वर्तमान में कौन है ये भी बताइएगा। कल फिर मिलता हूँ सुबह 5 बजे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।